पिछले कई दिनों से मैं अपनी बात को जनता के बीच में अलग अलग तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब से मैंने डायनेस्टी के विषय में, परिवारवाद के विषय में अपनी बात को रखा है और जब से उस बात को कई क्वार्टर से समर्थन भी मिला है, खासकर जनता की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल रणदीप सुरजेवाला ने और उनकी टीम ने मुझे मीडिया में पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का काम किया हुआ है और इसीलिए मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात रखनी पड़ रही है। हालांकि मेरे पास जो दस्तावेज है, अगर ये मीडिया तक पहुंचे और मीडिया के पास पहुंचाए हैं मैंने, पर मीडिया पर इस तरीके का दबाव बनाया गया है कांग्रेस के मीडिया सेल द्वारा कि ये दस्तावेज़ होने के बावजूद भी, इतना पुख्ता एक सबूत होने के बावजूद भी, वो इस एक्सपोजे को बाहर नहीं कर रहे हैं, वो इस करप्शन को बाहर नहीं कर रहे हैं और बचाने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास कई लोगों के, कई मीडिया वालों के SMS भी है, WhatsApp भी है, फ़ोन कॉल्स भी है, जिन्होंने कहा है कि देखिए, हम आपकी बात को पहुँचाना चाहते हैं पर हम पर दबाव डाला जाता है AICC मीडिया सेल के 2 या 3 लोगों के द्वारा और वो हमसे ब्लैकमेल करके हमें कहते हैं कि आप शहजाद पूनावाला को मीडिया में स्पेस ना दीजिए वरना आपको इसका जो है जुर्माना भुगतना पड़ेगा। और इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि मेरा कई मीडिया चैनलों पे आना जाना बहुत कम हो चुका है और इससे हम डरने वाले नहीं हैं। इससे हमारी आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इमरजेंसी का DNA जिनमें है, उनको हम सफल होने देंगे नहीं। और सोशल मीडिया के माध्यम से और जहाँ पे भी हमारे पास सुविधा होगी, हम जनता के बीच में ऐसी बातों को पहुँचाते रहेंगे जो देश हित में है और जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के जो 2 जहर हमारे देश की राजनीति में भरे गए हैं, उसको निकालने का काम हम कर सकेंगे। आज जो कागज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो कागज़ एक खुफिया कागज़ है और ये कागज़ एक श्रृंखला में एक चलाऊंगा सोशल मीडिया पे। उस श्रृंखला का सिर्फ पहला छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ मात्र 1% आप कह सकते हैं ऐसे, और इससे कई ज़्यादा गंभीर कागज़, इससे ज़्यादा गंभीर सबूत मेरे पास पहुंच रहे हैं। आपको पता है मैं अपनी पहली किताब भी लिख रहा हूँ वंशवाद और बाकी चीज़ों पर, तो उसके लिए मैं काफ़ी सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। कई लोग मेरे संपर्क में आए हैं, वो मुझे कागज़ देते हैं, वो मुझे जानकारियाँ देते हैं, मैं उसकी छानबीन करता हूँ, उसको वेरीफाई करता हूँ, इसमें कुछ समय भी लगता है और वेरीफाई करने के बाद जो मेरे पास पुख्ता सबूत बच जाता है उसको मैं अपनी किताब में भी शामिल कर रहा हूँ और आपके सामने साझा करने के लिए मैं एक श्रृंखला, एक सीरीज़ भी चलाने वाला हूँ और उसी के हिस्से में ये एक कागज़ मैं आज जारी कर रहा हूँ। ये कागज़ जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो एक खुफिया कागज़ है। वो कागज़ 7 जुलाई 1976 को अमरीकी जो एक एम्बेसी है इंडिया में, न्यू दिल्ली में, ये कागज़ अमरीका की एम्बेसी से भेजा गया यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, और ये एक टेलीग्राम केबल के द्वारा एक केबल भेजा गया। ये खुफिया डॉक्यूमेंट है और कई सालों तक ये कागज़ जो है, ये दस्तावेज़ जो है, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके स्टेट डिपार्टमेंट में बंद डिब्बों में रहा और इसको डीक्लासीफाई किया गया है अब हाल ही में उसको यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने EO सिस्टमैटिक रिव्यू के द्वारा इसको डीक्लासीफाई किया है, रिलीज किया है और अब इसको पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है। ये पब्लिक डोमेन में यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने लाने का काम किया है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप खुद चेक कर सकते हैं, ये कागज़ विकीलीक्स द्वारा भी एक्सपोज किया गया है और विकीलीक्स पर भी आप इसको ढूंढ सकते हैं। अगर ये कागज़ झूठा होता, अगर ये कागज़ तथ्य के परे होता, अगर ये कागज़ सरासर गलत होता, तो इस कागज़ पर निश्चित, इस कागज़ में जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो लोग इस कागज़ के खिलाफ कोर्ट जाते, इस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लाते, इंजंक्शन लाते। आपको पता होगा कि वायर के खिलाफ
कुछ लोग कोर्ट गए हैं कि ये हमारी मानहानि कर रहे हैं, ये डेफेमेशन कर रहे हैं, उसी तरीके से इस कागज के खिलाफ भी लोग कोर्ट निश्चित चले गए होते, क्योंकि इससे एक बहुत ही बड़े व्यक्ति के ऊपर बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होते हैं। मैं आपको शुरू में बताता हूं और फिर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इस कागज में क्या है। ये अंग्रेजी में है। ये कागज, जैसे मैंने बताया कि यहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी ने अपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को भेजा था और यहाँ 7 जुलाई 1976 को भेजा था, और इसलिए भेजा था क्योंकि वहाँ की सरकार को यहाँ पे चल रहे भ्रष्टाचार और यहाँ पे चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून और यहाँ पे जो माहौल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। तो यहाँ के जो एम्बेसी ऑफिशियल्स होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने अपने सूत्रों के द्वारा, जो उनके सूत्र तो सब जगह है, आप जानते हो कि हर एम्बेसी, हर सरकार अपने अपने सूत्र डेवलप करती है विदेशी कंट्रीज में, वो अपने एजेंट्स भी रखते हैं, कुछ लोग उनके लिए खुफिया तरीके से काम भी करते हैं, सरकार के अंदर भी होते हैं, सरकार के बाहर भी होते हैं, और इंटेलिजेंस एजेंट्स भी होते हैं, सारे एजेंट्स होते हैं। तो उनके जरिए उन्होंने इस कागज को, एक डॉक्यूमेंट को तैयार किया और अपनी सरकार के पास भेजा। तो ये बड़ा सीरियस डॉक्यूमेंट है, अपनी सरकार को वो कोई ऐसा वैसा डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, और वो भी तब जब 76 में, आप जानते हैं कि इमरजेंसी चल रही थी देश में, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, और उस समय उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को भेजा। अब मैं इस केबल का जो है आपके सामने पढ़ना शुरू करता हूँ, और क्योंकि ये कुछ पेजेस इसमें काफ़ी सारे हैं तो मैं आपके साथ ये थोड़ा लंबा भी चलेगा इंटरेक्शन, और मैं आपको मुख्य बिंदु पढ़ के बताऊंगा। तो ये एम्बेसी ऑफिशियल अपनी सरकार से कह रहा है, 1976 जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी लगा हुआ था, तो ये डॉक्यूमेंट में कहा जा रहा है रिसर्च के द्वारा, करप्शन इन इंडिया अफेक्ट्स वर्चुअली एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ एनी साइज डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल, मोर ओवर वाइल देर हैज बीन अ रिडक्शन इन स्मगलिंग एंड इलीगल रेमिटेंसेस एंड सम कट्स इन टैक्स इवेजन, देर इज नो इंडिकेशन दैट अदर फॉर्म्स ऑफ करप्शन आर डिक्रीजिंग सिंस द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। वो कहते हैं फिर आगे कि नो मीनिंगफुल स्टेटिस्टिक्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट ऑफ करप्शन, अ गवर्नमेंट इंक्वायरी कमिटी इन 1971 केम टू द गेस दैट द ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ द जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वेदर और नॉट दिस एस्टिमेट वॉज मीनिंगफुल देर इज नो वन इन इंडिया हु वुड डिस्प्यूट दैट द सो कॉल्ड पैरेलल इकोनॉमी वॉज अ मेजर फैक्टर ऑन द इकोनॉमिक सीन, दिस हैज डिक्लाइंड समवॉट इन लास्ट ईयर ऑल्सो एज अ रिजल्ट ऑफ द रिडक्शन इन स्कैसिटीज एटलीस्ट फॉर दोज हु कैन अफोर्ड टू मेक पेमेंट्स एंड सम रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन एंड अदर इकोनॉमिक कंट्रोल्स। This brings one to one principal reason normally cited for the extent of corruption in India. Scarcity, scarcity, scarcity is more than shortage of goods or food. It encompasses a scarcity of jobs, of opportunities and a plethora of controls that are probably few countries have which have tighter controls on. तो ये basically एक भूमिका बना रहे हैं कि इंडिया में करप्शन का क्या हाल है। वो कहते हैं शुरुआत में कि करप्शन कम हुआ है ऐसे आप नहीं कह सकते हो, कुछ टैक्स इवेजन और स्मगलिंग में कमी हुई है पर करप्शन ओवरऑल कम नहीं हुआ है, और करप्शन का मुख्य कारण है कि यहाँ पे एक स्कैर्सिटी क्रिएट की जाती है, वो स्कैर्सिटी खाने पीने की चीज़ों में हो, वो स्कैर्सिटी जॉब्स में हो, अपॉर्चुनिटीज में हो, स्कैर्सिटी क्रिएट करके, मतलब कमी क्रिएट करके करप्शन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। आगे वो लिखते हैं, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ दीज रेंज फ्रॉम ओमनीप्रेजेंट लाइसेंसिंग कॉन्फिस्केटरी टैक्सेशन to a checks and balances system which is designed to make any form of corruption impossible. All of this panoply has but one amid social justice, but one principal result, social injustice. For every control, however, there is an evasion. For every document which requires 3 signatures, when one would have been sufficient, there are bribes instead of one. तो वो basically कह रहे हैं कि ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है टैक्सेशन और लाइसेंसिंग के सिस्टम के द्वारा कि यहाँ पे करप्शन को ख़त्म करने का वैसे तो दावा किया जाता है, पर करप्शन को 3 गुना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि हर कागज़ पे 3 सिग्नेचर लग जाते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि ब्राइब्स दिए बिना
करप्शन दिए किए बिना यहाँ पे काम नहीं हो सकता। फिर आगे वो कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्चुअली ऑल ट्रांजेक्शन रिक्वायर स्पीड मनी, अ स्मॉल परसेंटेज इज रिक्वायर्ड टू मूव पेपर्स, सिक्योर एडमिशन टू अ हॉस्पिटल, ऑब्टेन अ ट्रेन टिकट एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं कि भारत में इंदिरा गांधी के ज़माने पे एक प्रथा शुरू हुई है स्पीड मनी की, मतलब कि अगर आपको अपना कागज़ एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर पहुँचाना है तो स्पीड मनी देना है। जैसे कि आपको एडमिशन चाहिए, अस्पताल में एडमिशन चाहिए, ट्रेन टिकट चाहिए, जो भी आपको काम करवाना है वो काम होगा नहीं जब तक कि आप ये स्पीड मनी नहीं देते। अब आगे सुनिए, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। पैराफ्राइज में लिखते हैं इस केबल के, इट इज मोर एक्सेप्टेबल टू टेक मनी फॉर द कांग्रेस पार्टी देन फॉर वन्स ओन पर्सनल कंफर्ट, व्हाइल इट इज इलीगल फॉर अ कॉर्पोरेशन टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ पोलिटिकल पार्टी, इट इज परफेक्टली लीगल फॉर द सेम कॉर्पोरेशन टू मेक एन इक्वल पेमेंट टू द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन विच एसेंशियली सर्व द सेम पर्पज, इट इज लीगल टू परचेज एडवर्टाइजिंग इन द पार्टीज पब्लिकेशन वेदर और नॉट दे आर एवर पब्लिश्ड। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात है, इट इज एक्सेप्टेबल टू टेक मनी फॉर द कांग्रेस पार्टी देन फॉर वन ओन्स पर्सनल कंफर्ट, वेदर इट इज इलीगल फॉर अ कॉर्पोरेशन टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली टू द पार्टी, इट इज लीगल फॉर द कॉर्पोरेशन टू मेक एन इक्वल पेमेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन विच सर्व द सेम पर्पज। तो वो कह रहे हैं कि भारत में भ्रष्टाचार को अब एक चलता है एटीट्यूड के तरह पे कर दिया गया है 1976 में, और कांग्रेस पार्टी के लिए भ्रष्टाचार करना, उनके लिए ब्राइब लेना, ये पूरी तरीके से जायज माना जाता है। हाँ, किसी कंपनी को, पार्टी को डायरेक्टली पैसे देना किसी काम के लिए, ये इलीगल हो सकता है। तो इसका तरीका ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में या किसी और तंजीम में वो पैसा डाल दिया जाए और वहां से उस पैसे का फायदा इस पार्टी को मिलता है और उसको बेनिफिट मिलता है। और कभी कभी तो जो पब्लिकेशन नहीं चल रही है उसमें एडवर्टाइजमेंट देकर भी बाहर की तंजीम अपना भ्रष्टाचार का पैसा या कट जो है वो पार्टी को दे सकती है। इट हैज बीन अ लॉन्ग बीन द प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूज टू बी द केस इवन टुडे दैट एवरी लार्ज फर्म एंड स्मॉल एंटरप्राइज आर अप्रोच फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज यूनाइटेड गिवर्स फंड द कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैं कुछ झूठ बात नहीं कहना चाहता, ये केबल है मेरे पास, अमेरिका का सीक्रेट केबल जो अब डिक्लासीफाई किया गया है और वहाँ की सरकार को 1976 7 जुलाई को दिया गया। और ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है, मैंने ये हाईलाइट किया है ये पैराग्राफ, इस पूरे कागज को मैं आपके सामने ट्विटर पे ये लाइव ख़त्म होने के बाद इसकी विकीलीक्स में भी अगर कोई लिंक होगी तो वो, और इस कागज़ को मैं पूरी तरह साझा करूंगा। और आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स में बैठ के इसको देख रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने इसको डीक्लासीफाई किया है, तो आप उनके स्टेट डिपार्टमेंट से ये कागज़ 7 जुलाई 1976 का मंगवा सकते हैं। उसमें ये कहा जा रहा है पैरा नंबर 6 में, इट हैज़ लॉन्ग बिन द प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूज टू बी द केस टूडे दैट एवरी लार्ज फर्म, हर बड़ी तंजीम और छोटे एंटरप्राइजेस स्मॉल एंटरप्राइजेस आर अप्रोच्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको अप्रोच किया जाता है कि कुछ हमें पैसा दे दीजिए टू इंडियाज यूनाइटेड गिवर्स फंड द कांग्रेस पार्टी। ये कागज के पैरा 6 में। अब अगर इसमें कुछ भी गलत लिखा गया है तो ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट सरकार ने इसको डिक्लासीफाई किया है। मनमोहन सिंह की सरकार भी रही है, तो इसको आप यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार को कहकर आप इस कागज के खिलाफ एक्शन ले सकते थे, इसको हटा सकते थे, इस पे क्लैरिफिकेशन दे सकते थे। आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे लिखते हैं, द कलेक्टर्स मतलब जो पैसा जो कमीशन लेते हैं पार्टी के लिए वैरी, समटाइम्स दे आर पॉलिटिशियंस देमसेल्व्स, समटाइम्स अ बैगमैन फॉर द पार्टी, समटाइम्स मोस्ट रिसेंटली इवन अ ब्यूरोक्रैट। एट द मोमेंट डैश डैश इज नोन एज द प्राइमरी कलेक्टर बट नेक्स्ट ईयर इट कुड बी समबडी डिफरेंट। इन्होंने बाकायदा एक कलेक्टर का नाम जो पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था उस समय की सरकार और कांग्रेस पार्टी के लिए, उनका नाम लिया है। मैं वो नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, वो नाम इस केबल में है, उपलब्ध है, वो केबल से आप इसको जानकारी हासिल कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, आप विकीलीक्स के माध्यम से भी इसको देख सकेंगे कुछ देर के बाद। मैं इस नाम को नहीं लूँगा,
यदि ये नाम सच नहीं है तो ये व्यक्ति भी, प्राइवेट इंडिविजुअल भी इस नाम को हटाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, कर सकते थे, कर सकते हैं। और जो जिसका भी नाम इसमें आया है, जिसके ऊपर भी ये एलिगेशंस लग रहे हैं, वो तमाम अपने लोग, वो लोग कोर्ट जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं, उनके पास आज भी ये राइट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बातें जो भी कही जा रही है वो यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसी ऑफिशियल ने अपने सूत्रों से और अपनी जानकारियां प्राप्त करके सरकार के अंदर, सरकार के बाहर, अपनी सरकार को ये कागज भेजा है जिसपे कि उनकी पॉलिसी देश के लिए बनती है, इंडिया की तरफ बनती है। वो कहते हैं, और मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इट हैज लॉन्ग बिन द प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूज टू बी द केस इवन टूडे। Every large firm and small enterprises are approached for their contribution to United Givers Fund, the Congress Party. The collectors vary, sometimes they are politicians themselves, sometimes a bagman for the party, sometimes most recently even a bureaucrat. At the moment, Dash Dash is known as a primary collector for the party, but next year it could be somebody different. The form of contribution is normally, though not always, cash. Contributions are also made in kind, such as provision of vehicles, housing, etc., to party officials, not to speak of more personal services, such as those which have recently had the headlines. तो वो कह रहे हैं कि हर बड़े और छोटे तंजीम को अप्रोच किया जाता है कि चंदा या डोनेशन पार्टी को दिया जाए। ये पैसा कलेक्ट करने के लिए बाकायदा कलेक्टर होते हैं, बैगमैन होते हैं, कैश कलेक्ट किया जाता है, कभी कभी पॉलिटिशियंस खुद कलेक्ट करते हैं, कभी कोई कमीशन एजेंट होते हैं, कभी कोई ब्यूरोक्रेट होते हैं। एक नाम इन्होंने बड़े ही प्रतिष्ठित नाम को भी लिया है कि ये व्यक्ति फिलहाल 1976 में पैसे कलेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और अगले साल कोई और हो सकता है। पैसे देने का तरीका होता है कि कभी कैश दिया जाता है, कभी व्हीकल्स दी जाती हैं, कभी हाउसिंग दिया जाता है, और पर्सनल सर्विसेज भी दिए जाते हैं, जिसका उल्लेख तब की हेडलाइंस में भी होता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अ फॉरेनर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दिस फॉर्म ऑफ एक्टिविटी एंड इज इन मेनी वेज ऑलवेज अ प्रेफर्ड प्लेयर। वो कहते हैं कि विदेशी लोगों का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके के भ्रष्टाचार में, वो बड़े एक्टिव भी होते हैं और वो बड़े प्रेफर्ड भी होते हैं इस तरीके का भ्रष्टाचार करने में। और अब आपके मन में बोफोर्स और कॉटरोकी जैसे नाम दिमाग में आ रहे होंगे, अगस्ता वेस्टलैंड में जो क्रिश्चियन माइकल है उनका नाम मन में आ रहा होगा कि किस तरीके से विदेशी एजेंट्स भी होते हैं जिनके जरिए कलेक्शन किया जाता है, और उसी का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज इन अ फॉरन बैंक अकाउंट इज ऑफ हाई वैल्यू एंड नॉर्मली अकंपनीज इन अ मेजर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार चलता है इस व्यवस्था में, विदेशियों को बड़ा महत्व है, विदेशियों को इसलिए बड़ा महत्व है और उसको प्रेफर किया जाता है क्योंकि उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आता है, ट्रांजैक्शन के लिए आता है, उसमें पहले तो फॉरेन एक्सचेंज आता है और वो फॉरेन अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, फॉरेन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, और इसीलिए वो बड़ा प्रेफर्ड माध्यम है इस तरीके के भ्रष्टाचार के लिए। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट कंटिन्यू हो रहा है, ये सीक्रेट केबल चल रहा है, ये सीक्रेट केबल का पूरा दिया भी गया है, आप देख सकते हैं, फ्रॉम एम्बेसी न्यू दिल्ली, अमेरिकन एम्बेसी न्यू दिल्ली टू सेक्रेटरी स्टेट वॉशिंगटन DC 6992 7 जुलाई 1976। ये केबल का नाम और नंबर दिया गया है, 7 जुलाई 1976 फ्रॉम अमेरिकन एम्बेसी न्यू दिल्ली टू सेक्रेटरी स्टेट वॉशिंगटन DC 6992 सेक्रेट सेक्शन 2 ऑफ न्यू दिल्ली 9954 लिमडिस मतलब लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इतना खुफिया कागज है कि ये सारे अमेरिका के सभी वर्गों के पास है, सरकार के पास, सभी लोगों के पास भी नहीं पहुंचा, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पहुंचा, और अब ये अनक्लासिफाइड है, डीक्लासिफाइड है, मतलब कि ये पब्लिक डोमेन में अमेरिका की सरकार ने किया। आगे लिखते हैं ये, अ फ्यू एग्जाम्पल्स में भी हेल्पफुल। मैंने आपको बताया कि वो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता था और विदेशियों को प्रेफरेंस दिया जाता था। अब वो उसी के संदर्भ में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अ फ्यू एग्जाम्पल्स में भी हेल्पफुल। अ वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन इंडिया रिसेंटली टोल्ड एन एम्बेसी ऑफिशियल ऑफ अमेरिका दैट ही हैड नेवर सीन अ केस वेयर एन ओरिजिनल लो बिडर रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट।
The World Bank requires that the award of contracts is done to the lowest bidder, but repeated tenderings combined with specification changes are instituted by the government of India until the appropriate bidder becomes the low bidder as well. Recently, British Aircraft Corporation team, BAC, that visited India to compete against Dutch and American aircraft suppliers was approached and offered the assistance of a particular company which was controlled by Mr. Sanjay Gandhi. BAC replied that something could be certainly worked out. Dutch, Swiss and French firms are equally known for their willingness to make contributions. तो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के एक ऑफिशियल ने इनको जानकारी दी, एम्बेसी ऑफिशियल को, कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता हो. वर्ल्ड बैंक जब ये कॉन्ट्रैक्ट देता है तो वो चेक करता है कि लोएस्ट बिडर को दिया जाए. मतलब अगर 5 लोग 10 लोग बिड कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को तो जिसकी सबसे कोटेशन कम होगी उसको दिया जाएगा. ये कह रहे हैं कि वो बाईपास करने के लिए इतने स्पेसिफिकेशंस चेंज कर देते थे कॉन्ट्रैक्ट्स के सरकार के द्वारा कि जो उनको चाहिए वही व्यक्ति लो बिडर बन जाता था. मतलब उस व्यक्ति के हिसाब से स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिए जाते थे और इस काम में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो एक डच और वहाँ की फ्रेंच फर्म्स के खिलाफ कम्पीट करना चाहता था इंडियन गवर्नमेंट को कुछ बेचने के लिए, उनको भी अप्रोच किया गया और उनको ये बात बताई गई और उनको कहा गया कि ये ऐसे हम कर सकते हैं. तो उन्होंने भी अपनी विलिंगनेस बताई और बाकियों ने भी अपनी विलिंगनेस बताई कि इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए. ये वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल की टेस्टिमनी है. फिर उसके बाद लिखते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस डू नॉट ऑलवेज गारंटी अ सक्सेस एंड इट कैन समटाइम्स बैकफायर. इन वन केस, अब ये बहुत जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये स्पेसिफिक केस दिया जा रहा है आपको. In one case, an Indian manufacturer paid a substantial bribe to the Minister of Civil Aviation for a particular contract. यहाँ पे सीधा सीधा आरोप लग रहा है. Later, the project became a source of controversy for reasons which had nothing to do with the bribe. The minister sought to return the bribe, but the donor insisted that interest be paid. A compromise was reached whereby an additional contract was given to the manufacturer. तो अब वर्ल्ड बैंक के एक किस्से के बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक किस्सा यहाँ पे कोट किया है कि एक मैन्युफैक्चरर को एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना था तो उन्होंने एक सिविल एविएशन मिनिस्टर जो थे, अब वो नाम कौन होंगे वो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि 76 में सरकार में कौन मिनिस्टर थे, नहीं थे या कौन उस बाहर को संभाल रहे थे वो और सीधा सीधा मंत्री पे आरोप है. उन्होंने कहा कि उस मैन्युफैक्चरर ने ब्राइब दिया उस मंत्री को कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, पर वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ अलग विषयों की वजह से कंट्रोवर्सी में आ गया तो वो अवार्ड नहीं हो पाया. तो उन दोनों में झगड़ा हो गया कि भैया हमारे पैसे वापस करो. जो जिसने ब्राइब दिया था उसने मंत्री से कहा कि आप इंटरेस्ट भी दो हमें कि आपने हमारे इतना पैसा एडवांस में ले लिया. तो फिर सुलह ये हुई, समझौता ये हुआ, कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि मंत्री साहब ने उनको एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया और उस तरीके से उनका जो ब्राइब था, ब्राइब का मनी था, वो इस्तेमाल किया गया. फिर आगे वो लिखते हैं अमेरिका के एम्बेसी वाले, ऑफ कोर्स देयर इज पनिशमेंट फॉर सम ब्राइब टेकर्स. नियरली एवरी डे वन हियर्स एंड रीड्स अबाउट अ कांस्टेबल और अ क्लर्क हु हैज बीन अरेस्टेड फॉर टेकिंग अ ब्राइब. लिटिल इज हर्ड ऑफ द आउटकम दो, वन इज टोल्ड दैट मोस्ट आर रीएम्प्लॉयड आफ्टर अ फ्यू वीक्स. पनिशमेंट ऑफ दोज हु टेक पेमेंट्स फॉर कांग्रेस पार्टी इज रेयर, बट द रिवर्स इज ट्रू इफ वन हैज द मिसफॉर्च्यून टू बिकम द ऑपोजिशन इन एज इन तमिलनाडु. ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ्स मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. लंबा हमारा लाइफ चल रहा है पर आप प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिए. द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट इज टोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी ऑफिशियल्स हु हैव कंडक्टेड अ सीक्रेट रिसर्च थ्रू सीक्रेट केबल विच हैज नाउ बीन डीक्लासिफाइड अबाउट द ऑनगोइंग करप्शन विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वन केस ऑफ अ वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल हैज बीन स्टेटेड कि नो टेंडर इज गिवन विदाउट करप्शन. Every big or small firm has to pay a bribe to the Congress party. The methodology of the bribe is given. Sometimes foreign accounts and foreign exchange is taken as bribe from foreigners and foreigners are preferred. One case is cited, ek case cite kiya gaya hai jahan pe ek manufacturer bribe de raha hai Indian Civil Aviation Minister ko. Unme jhagda ho jata hai kyunki controversy ki wajah se wo contract nahi diya ja sakta hai. To sulah ye hoti hai ki Civil Aviation Minister us sarkar ke किसी और कॉन्ट्रैक्ट को उनको अवार्ड कर देते हैं और फिर तब मामला सुलझता है. फिर आगे कहा जाता है कि
सजा तो मिलती है कुछ लोगों को करप्शन करने के लिए, पर वो हमेशा से कोई छोटा कांस्टेबल या छोटा सा कोई क्लर्क होता है और उनको पकड़ा जाता है और फिर उनको छोड़ दिया जाता है. पर पनिशमेंट फॉर दोज हु टेक पेमेंट्स फॉर द कांग्रेस पार्टी इज रेयर, इज रेयर. ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, पनिशमेंट ऑफ दोज हु टेक पेमेंट्स फॉर द कांग्रेस पार्टी इज रेयर बट द रिवर्स इज ट्रू इफ वन हैज द मिसफॉर्चून टू बिकम द ऑपोजिशन. मतलब अगर आप ऑपोजिशन के पास है और आप ऑपोजिशन में रहते हो, आप करते हो भ्रष्टाचार, क्योंकि उनके भी लोग भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी के हो, तो तब तो आपको पकड़ लेंगे. पर अगर आपकी पार्टी के लिए जो पैसा ले रहा है, पेमेंट्स ले रहा है, उनको कभी भी नहीं पकड़ा जाता है. कांस्टेबल को, क्लर्क को पकड़ा जाता है, फिर उसको रीअपॉइंट कर दिया जाता है. अब उसके आगे सुनिए, पैरा 11 में लिखते हैं, देर आर टू रीजंस व्हाई द टॉप, और ये टॉप को उन्होंने हाईलाइट किया है इन्वर्टेड कॉमा में. अब टॉप कौन था उस समय की सरकार में, आप जान सकते हैं. 1976 की बात है, इमरजेंसी लागू थी, कांग्रेस पार्टी का टॉप कौन था 1976 में, ये बड़ा क्लियर है. इट वॉज द फर्स्ट फैमिली ऑफ पॉलिटिक्स. देर आर एटलीस्ट टू रीजंस व्हाई द टॉप, ये देखिए, देर आर एटलीस्ट टू रीजंस व्हाई द टॉप protects this system. First, most of the funds so collected are in fact given to the party minus a commission for the collector. Second, it provides a handy hold on virtually every politician. Corruption files are accordingly kept in the Prime Minister's office and no charges against any major figure can be instituted without her personal approval. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं. यूनाइटेड स्टेट्स की जो एम्बेसी की ऑफिशियल्स की सीक्रेट केबल जो 7 जुलाई 1976 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के को भेजी गई थी, केबल नंबर 6992 को आप खुद पर्सनली जाके यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट से रिलीज करवा सकते हैं, या आप विकीलीक्स में इसको ढूंढ सकते हैं. ये पब्लिक डोमेन में है और मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, इन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसके लिए जिम्मेदार बताया है और उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा अमेरिका की सरकार ने बताया है. मैं नहीं बता रहा हूँ किस कौन कलेक्ट करता था पैसा, वो भी नाम दिया गया है, मैंने उसको नहीं लिया है. मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपनी बात रख रहा हूँ, पर मैं आपको ये पैराग्राफ फिर भी पढ़ के वापस से सुनाता हूँ. पनिशमेंट ऑफ दोज हु टेक फॉर द कांग्रेस पार्टी टेक पेमेंट फॉर द कांग्रेस पार्टी इज रेयर, बहुत कम. बट द रिवर्स इज ट्रू, वन हैज द मिसफॉर्च्यून ऑफ बिकमिंग द ऑपोजिशन एज इन तमिलनाडु. देर आर एटलीस्ट टू रीजंस व्हाई द टॉप इन्वर्टेड कॉमास में द टॉप प्रोटेक्ट्स दिस सिस्टम. First, most of the funds collected are in fact given to the Congress party. और तब Congress party मतलब कौन था, परिवार था. Minus a commission for the collector, मतलब collector अपना commission निकाल के वो पार्टी का पैसा उसको देता है, इसलिए उनको पकड़ते नहीं है, क्योंकि सारा पैसा जो corruption में generate हो रहा है वो एक ही परिवार की तरफ या first family की तरफ जा रहा है, ऐसा आरोप अमेरिका की सरकार और अमेरिका की embassy लगा रही है. दूसरा, second, it provides a handy hold on virtually every politician. हर पॉलिटिशियन के पास इनके पास एक फाइल आ जाती है. करप्शन फाइल्स आर अकॉर्डिंगली केप्ट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में करप्शन फाइल पड़ी होती है. नो चार्जेस आर इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट एनी मेजर फिगर विदाउट हर पर्सनल अप्रूवल, मतलब जब वो चाहती है तब वो फाइल खोलती है करप्शन की और किसी को फंसवाते हैं. अगर वो अलायंस कर ले, अगर वो साथ में आ जाए, अगर वो कमीशन दे दे, तो फाइल दब जाती है. ये पैरा नंबर 11 पे लिखा गया है. पैरा नंबर 12, इंडियंस आर सीकिंग एंड ऑब्टेनिंग इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स इन मेनी अदर कंट्रीज पर्टिकुलरली द मिडिल ईस्ट. दे टेल अस दैट दे आर आउटरेज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ ब्राइब्स रिक्वायर्ड. 30-40% इज नॉट अनकॉमन. नॉट ओनली इज सच स्केल ब्राइबरी एक्सेसिव, इट ऑल्सो पोजेस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिंस द कलेक्टर इन दीज केसेज रिक्वायर पेमेंट इन फॉरन एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया. एज अ रिजल्ट द रिजर्व बैंक हैज अमेंडेड इट्स प्रोसीजर्स so that an Indian is not put at a competitive disadvantage. ये बता रहे हैं कि अब ये भ्रष्टाचार किस तरीके से होता है, कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, हर कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन लिया जाता है, हर कॉन्ट्रैक्ट को लोएस्ट बिडर को देने के बदले स्पेसिफिकेशन चेंज किया जाता है और अपने बिडर को लोएस्ट बिडर बनाया जाता है.
फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन बैंक अकाउंट में विदेशियों द्वारा भ्रष्टाचार जो होता है, ब्राइब दिया जाता है, वो प्रिफर किया जाता है। कई बार भ्रष्टाचार सीधा सीधा नहीं दिया जा सकता, पार्टी को पैसा नहीं दिया जा सकता, तो उनकी पब्लिकेशन में डाला जाता है जो पब्लिश नहीं हो रही है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में डाला जाता है जिसका फ़ायदा सीधा उनको मिलता है। और कमीशन एजेंट जो है उनका नाम दिया गया है, कभी कभी ब्यूरोक्रेट होते हैं, कभी मंत्री होते हैं, कभी पॉलिटिशियन होते हैं, कभी बिजनेसमैन होते हैं। एक बिजनेसमैन का नाम लिया गया है, एक कंपनी का नाम लिया गया है कि किस तरीके से वो कर रहे थे कलेक्शन। फिर उन्होंने कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई कभी नहीं होती, छोटे मोटे लोगों पे कार्रवाई हो जाती है, कमीशन लेने वाले भ्रष्टाचारी सिपाही पर या भ्रष्टाचारी पुलिस पर या भ्रष्टाचारी क्लर्क पर उनको भी छोड़ दिया जाता है। जो बड़े भ्रष्टाचार करते हैं और कांग्रेस के लिए कलेक्शन करते हैं उन पे कभी गाज नहीं गिरती, ऑपोजिशन में अगर हो तो आप पे गाज गिर सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर पैसा करप्शन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को और उसको कंट्रोल करने वालों को दिया जाता है और एक कमीशन कलेक्टर को दे दिया जाता है। और दूसरा कारण ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सारी करप्शन की फाइल पहुंचती है और वो निर्णय करती है सहूलियत के हिसाब से कि किस पे एक्शन लेना है और किस पे एक्शन नहीं लेना है, और उनकी अप्रूवल के बिना कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि विदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी और विदेशियों के द्वारा भी ये भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर किया जाता है, 30-40% का भी एक कट मांगा जाता है काम करवाने के लिए। फिर ये इसके ऊपर एक पैराग्राफ ये भी लिखते हैं कि जो इस सिस्टम की वजह से लोगों को नुकसान होता है तो वो किस तरीके का एक परिणाम होता है इस सिस्टम का, हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। द बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम आर द हैव्स एंड द लूजर्स आर द हैव नॉट्स। द लूजर्स रिसीव सबस्टैंडर्ड एंड अडल्ट्रेटेड गुड्स, बिल्डिंग्स एंड डैम्स विच कोलैप्स एंड नॉन एग्जिस्टेंट सर्विसेज। द विनर्स ऑब्टेन अ मर्सिडीज एंड सेंड देयर चिल्ड्रन टू हार्वर्ड। तो ये पूरा भ्रष्टाचार का उन्होंने एक आकलन किया, कैसे भ्रष्टाचार चल रहा है, कौन कलेक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिए जाते हैं, पैसा कैसा दिया जाता है, संरक्षण प्रधानमंत्री के दफ्तर से क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। और फिर एक उसको समअप करने के लिए एक लास्ट में उन्होंने पैराग्राफ लिखा है कि इस पूरी व्यवस्था का भारत के समाज पे क्या असर पड़ रहा है। तो उसको उन्होंने एक लाइन में ये बताया है कि इस व्यवस्था से दो श्रेणी के लोग बन जाते हैं, एक श्रेणी द हैव्स जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनके पास है भ्रष्टाचार करने के स्रोत, जिनके पास ये सोर्सेज है वो हैव्स है, और एक है हैव नॉट्स जिनको ये भ्रष्टाचार का फायदा नहीं मिल रहा। जो भ्रष्टाचार का फायदा जिनको नहीं मिल रहा, हैव नॉट्स द लूजर्स, उनको तो सबस्टैंडर्ड और अडल्ट्रेटेड खाना मिल रहा है, सर चीज़ें मिल रही है, ऐसी बिल्डिंगें और ब्रिज मिल रहे हैं, डैम मिल रहे हैं जो गिर जाते हैं, और ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं जो सुविधाएं हैं ही नहीं। और जिनको इसका फायदा मिल रहा है वो लोग मर्सिडीज में घूम रहे हैं और अपने बच्चों को हार्वर्ड भेज रहे हैं। ये लास्ट पैराग्राफ, ये आपके सामने मैंने इस केबल को रखा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 35 मिनट होने आ रहे हैं इस लंबे लाइव के लिए, मैं आपको फिर से एक बार समअप करना चाहता हूँ। ये एम्बेसी की डॉक्यूमेंट 7 जुलाई 1976 को भारत के अंदर अमेरिका के एम्बेसी ने अमेरिका की सरकार के मुख्य अंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस डॉक्यूमेंट को भेजा। ये लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, सबके पास भी नहीं गया। इसमें इन्होंने भारत में चल रहे भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा पूरा एक्सपोज किया है, अपने सूत्रों से और अपने अंदर खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली है इन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स और नाम के साथ कोट किया है और इस डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई किया है। तो इसका मतलब कि यूएस की गवर्नमेंट ने इसको पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया है। तो यदि इस डॉक्यूमेंट में गलत आरोप लगे हैं, यदि इस डॉक्यूमेंट में गलत लोगों के नाम लिए गए हैं, तो वो लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि जैसे वायर को सू किया गया है वैसे इसको सू करते, डेफामेशन के लिए इंजंक्शन लाते, ना इसमें नाम लिए गए कंपनी ने, पार्टी ने, प्रधानमंत्री के परिवार ने, ना इस कंपनी और ना इस बिजनेसमैन ने इसके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक लिया है, ऐसी जानकारी मेरे पास पहुंची है। ये कागज़ शायद विकीलीक्स पे भी मिलेगा, मैं इसकी लिंक को भी शेयर करूंगा, इस कागज़ को भी शेयर करूंगा। इसमें उन्होंने भ्रष्टाचार चल रहा है, वो भ्रष्टाचार हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, हर तंजीम से भ्रष्टाचार का घूस मांगा जाता है, किस तरीके से ये घूस लिया जाता है, कमीशन एजेंट कैसे इसको कलेक्ट करते हैं,
किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होते हैं लोएस्ट बिडर के नाम पर उस बिडर को जिसको ये चाहते हैं सारे चेंजेस करके कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिकेशंस में और बार बार उसमें चेंजेस लाकर फिर किस तरीके से ये भ्रष्टाचार का पैसा कलेक्ट किया जाता है और ऊपर भेजा जाता है पार्टी के लिए, पार्टी को किस अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार का पैसा दिया जाता है, कभी कभी विदेशियों द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है उनको प्रेफर किया जाता है क्योंकि फॉरेन बैंक अकाउंट में विदेशी मुद्रा दी जाती है, किस तरीके से छोटे छोटे लोगों को तो पकड़ा जाता है और छोड़ दिया जाता है पर कांग्रेस के लिए लिए जा रहे भ्रष्टाचारियों को कभी नहीं पकड़ा जाता और विपक्ष के लोगों को पकड़ा जाता है और सारी फाइलें जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में होती है वो अपने इच्छा अनुसार उस पर कार्रवाई करती है, कभी कभी करती है कभी नहीं करती है क्योंकि इसका फायदा भी जो कमीशन मिलता है कमीशन छोड़ के पूरा भ्रष्टाचार का पैसा पार्टी को दिया जाता है और उस पार्टी को कंट्रोल करने वाले लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल की एक बात को रखा गया है, यहाँ पे BAC ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की टीम की बात को रखा गया है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस वो बताया गया है कि एक व्यक्ति ने सिविल एविएशन मिनिस्टर को ब्राइब दिया था उस समय के और उसमें कॉन्ट्रैक्ट न मिलने पर बवाल मचा था, फिर दोनों ने ये समझौता किया कि एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उनको और आखिर में इस तरीके से भ्रष्टाचार का असर जो पड़ता है कि दो श्रेणी बन चुकी है भारत में, हैव्स और हैव नॉट्स। हैव्स जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो मर्सिडीज चलाते हैं और अपने बच्चों को हार्वर्ड भेजते हैं, विदेश भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, और हैव नॉट